अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अफजल अहमद शाह। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल फायर वर्सेस। दोस्तों कैसे, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो दोस्तों, आज है मई का महीना चल रहा है और जैसा कि आपको पता है कि मैं आया हूं मानसेरा, नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान में। और यहां पे आपको पता है कि मैं अपने आबाई इलाके आया हूँ, साथ साथ में व्लॉग भी बनाएंगे आपको इंशाल्लाह, मानसेरा की सैर कराएंगे। आज तो फ़िलहाल ज़रा मैं अपने गाँव का आपको विज़िट कराऊँगा इंशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है, आपको बहुत पसंद आएगा। अभी ज़रा मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, मौसम आप देख सकते हैं इस टाइम बिल्कुल बारिश का मौसम बना हुआ है, मौसम बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत मौसम है। और वो मेरे पीछे आप देखें पहाड़ों का दिलकश नज़ारा, कोहे टांगलाई है पीछे, और आपको कुछ बर्फ़ पोश पहाड़ भी दिखाएंगे। लेकिन इसमें फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ अपने गाँव में, और अभी हम नीचे आपको जाएंगे। आज का हमारा व्लॉग जो ये होगा उसमें हमारा जो यानी कि स्क्रिप्ट है वो ये है कि हम आपको दिखाएंगे तकरीबन दरियाए सरहंद की सैर कराएंगे। उसके अलावा मैं आपको दरियाए सरहंद के साथ साथ नहरें, यहाँ पे बहुत सारी फसलें हैं, खेत हैं, यहाँ की पहाड़ियाँ छोटी छोटी, वो आपको दिखाएँगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी वीडियोज़, आएँगी पसंद आपको। और यार सब देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे आप मेरी न्यू वीडियोस अपडेट नहीं दे सकते। और जब आप न्यू वीडियोस अपडेट नहीं रहेंगे तो आप मेरी वीडियोस को जब देख नहीं सकेंगे तो मज़ा नहीं आएगा आपको। तो अभी मैं इस टाइम लड़ाई उतर रहा हूँ, काफ़ी मुश्किल हो रही हैं लेकिन फिर भी अच्छा। ये जो पीछे आपको जो मैं ज़मीन दिखा रहा हूँ, ये जो मेरे पीछे ये देख लें आप इस टाइम, अभी ज़रा मैं आपको सेल्फी कैम बंद करता हूँ और टमाटर लगे हुए सेल्फी। आबिद मंसूर अली शाह भी हमारे साथ में पीछे से आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप सब्जियां क्या लगे हुए हैं यहाँ पे, टिंडे लगे हुए हैं, टमाटर लगे हुए हैं। अच्छा, और 850 कनाल में लगाए हुए हैं। हाँ अच्छा, ये 850 कनाल में मैंने टमाटर लगाए हुए हैं। अच्छा ये क्या लगा हुआ है, ये टिंडे हैं जी भैया। ये क्या है, टिंडे, टिंडे जी जी, टिंडा। अच्छा टिंडा, टिंडा देखें ये हमारी फसल है टिंडे की। अच्छा, खूबसूरत किस्म की फसल, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म की फसल है ये देख ले आप। आबिद भाई हमारे ये कमेंट्री करेंगे, हमारे साथ रहेंगे नीचे तक, ये बताएंगे भाई क्या क्या फसलें लगी हुई है। माशाल्लाह बी एस एग्रीकल्चर कर रहे हैं और इनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, और ये इनको काफी मालूम है या नहीं आपको, मल्चिंग में मालूम है या नहीं है, मालूम ही बहुत। अच्छा आप अपना तारुफ तो कराए सबसे पहले। मैं सैयद आबिद मंसूर बी एस एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, इसका ताजात भाई भाई हूँ। अच्छा ये आप आज हमें आप क्या दिखाएंगे, ये हमारे पास टमाटर हैं, ये सामने गंदम लगी हुई है, ये अभी टमाटर अच्छा। हैं अभी छोटे, अभी इनकी एक भी पैकिंग नहीं हुई। अच्छा, अभी इनकी पैकिंग 5-10 दिनों के बाद इनकी पैकिंग हो जाएगी। अच्छा, और अभी ये देखें ये कच्चे, इनको भी बीमारी लगी है थोड़ी बहुत, सही स्प्रे कल की है मैंने इस पे। अच्छा, तो इंशाल्लाह ये इसकी बीमारी वगैरह खत्म। टमाटर का दाना दिखा सकते हैं आपके यहाँ का टमाटर के, कुछ लोग आपको पता है पंजाब के सिंध के, ये तो वहाँ के टमाटर और ये हमारे पास जो लगे हुए हैं सिंजेंटा कंपनी के लगे हुए हैं, लरिका लगे हुए हैं, और एक बायर कंपनी का लगे हुए जो जिसका नाम कार्बन है, कार्बन और लरिका, लरिका लरिका। अच्छा ये कौन सी कंपनी के, सिंजेंटा और बायर। अच्छा सिंजेंटा और बायर। अभी ये देखें छोटा है 5-10 दिन के बाद इंशाल्लाह ये फोकस करके दिखा दूं, ये अभी छोटा है 5-10 दिन के बाद ये हमारे पास पैकिंग के लिए हो जाएगा। अच्छा ये पीला टमाटर है तो बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाता है ये। हाँ ये बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाता है 5-10 दिन के बाद इंशाल्लाह। अच्छा ये तो गंदम लगी हुई है गालिबन, जी बिल्कुल ये गंदम। तो यार काफी लोग मुझसे कल भी उसमें भी पूछ रहे थे, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी व्हाट्सएप पे, कह रहे थे कि यार हमारे यहाँ पे तो गंदम 2 महीने पहले काश्त हो गई थी तो अभी तक आपकी गंदम नहीं कटी गई थी, उसकी क्या वजह, आप क्या बताएंगे। हमारे पास ये ठंडा इलाका है ना जी, जिस तरह हम देखे सिंध है, सिंध गर्म इलाके है, वहाँ पहले काट रही थी, उसके बाद पंजाब, इस तरह चलते चलते अब जब ये पहाड़ी इलाके ऊपर अब चलते जाएंगे ना सवाल, अभी वहाँ भी ये अभी मिल्किंग स्टेज पर होगी। अच्छा। वहाँ पर अभी ये हमारे पास हार्वेस्टिंग स्टेज पर है। सही, तो यानी कभी नहीं, अभी ये जो गंदम है ये तैयार है, बिल्कुल तैयार है, इसको हमारे कर सकते हैं। अच्छा एक छोटा सा सवाल है ऑडियंस की तरफ से जी, बिल्कुल। तो ये क्या, अगर जिस तरह ये जो जमीन मेरे सामने जो कैमरे में दिख रही है जी, तकरीबन कितनी यानी गंदम इससे निकलेगी, इससे जिसमें गंदम लगी हुई है, क्योंकि कल एक बंदे ने बहुत अजीब सा सवाल मुझसे पूछा, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, कह रहे थे कि ये जो एक यानी कि ये जो स्पाइक है, स्पाइक कहो आप इसे, इसमें से तो गंदम है इतनी नहीं, इतनी गंदम कैसे निकलेगी, तो आप बता सकते हैं एक स्पाइक में कितने यानी के दाने होते हैं और क्या यानी के साथ। ये तो हमारे पास जो होता है ना जो क्वालिटी बीज होते हैं उसमें अच्छे होते हैं, हाईब्रिड वगैरह सब को हिसाब किताब, जहाँ मुझे लगता है इन्होंने हाईब्रिड लगाई हुई है, इसकी स्पाइक भी अच्छा है, हमारे पास जो भूसे के लिए इसकी
ये स्टेम है वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा सब बातों का आप मुझे अभी बता दें अभी हम इस टाइम मौजूद कहाँ पे हैं, मुझे तो पता है ऑडियंस को बता दें, आप अपने मुंह से बताएं। नकोट में हम नकोट वो सामने बिल्कुल आपको लाल कलर की दीवार दिख रही होगी, यहाँ का नकोट सिटी का वुमेन्स कॉलेज है ना, गर्ल्स कॉलेज है अभी नए नए बने, और वो बिल्कुल उसके पीछे जो ऊपर बड़ी आपको बिल्डिंग दिख रही है हाई स्कूल है गर्ल्स की, ये अच्छा ही कॉलेज अभी अभी बने हैं, ये भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी फिलहाल हम आपको नीचे में कहा ना दरिया सरन दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा आबिद भाई ये बताएं ये क्या लगा हुआ है, ये शफ्तल लगी हुई है, क्या है शफ्तल, शफ्तल क्या होती है, शफ्तल शफ्तल ये क्या होती है, ये शफ्तल हमारे पास भैंसों वगैरह के लिए चारा होता है फोडर क्रॉप। अच्छा अच्छा यानी जिस तरह पंजाब में चारा दिया जाता है चारा, ये भी एज अ चारा ही है, ये हमारे पास एज अ ये नाइट्रोजन फिक्सर। अच्छा अच्छा सब बातों के बाद आप ये बताएं आज आपके हाथ पे क्या हुआ है, ये बाइक से गिरा हूं मैं, ये पिंडी बॉयज के लिए हमारा पैगाम है कि भाई बाइक ध्यान से चलाओ वरना ऐसे हादसा भी पेश हो जाते हैं कभी-कभी पाकिस्तान में। ये हमारे पास फोडर क्रॉप है। अच्छा आप तो यहाँ के रहायशी हैं सही है, आप बताएं आप इस इलाके को कितना एंजॉय करते हैं, आपको अगर कोई कहे कि आप किसी शहर शिफ्ट हो जाए तो आप क्या जवाब देंगे सिटी भाई, शहर में तो बिल्कुल भी ना शिफ्ट हूँ, ऐसा मौसम और ऐसा इलाका छोड़ के कौन जाएगा, इतनी ताज़ा हवा कहाँ मिलती है वहाँ तो हवा भी। अच्छा अभी हमने नहीं कहा आपको सिर्फ तस्वीर का एक रुख दिखाया, अभी हम सिर्फ ऊपर से नीचे उतरे घर से, अभी जब हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह सामने वो पहाड़ दिख रहा होगा, वो कोई टंगलाई कहलाता है यहाँ का, ये वादी पखल के ऊंचे पहाड़ों में से एक पहाड़ है, इतना ऊंचा तो नहीं लेकिन ऊंचे पहाड़ों में शामिल होता है, और वो पीछे पीछे आप देख रहे हैं आपको बर्फानी पहाड़ बादलों के घिरे हुए दिख रहे होंगे, वो पीछे वो बिल्कुल वो रहे ये बर्फानी पहाड़ हैं बालाकोट नारायण का आंगन, वो आपको दिख रहे होंगे। इस टाइम मौसम यहाँ का बिल्कुल सर्द मौसम, बहुत बेहतरीन मौसम है, कराची वाले पंजाब वाले तो इस टाइम यानी कि गर्मी में के हमारे बेचारे परेशान होंगे। अच्छा ये भी टिंडे हैं क्या, ये भी टिंडे हैं, टिंडा सही उस तरफ साथ में बैंगन लगे हुए। अच्छा तो वो नाजरी वो सामने आपको दिखा दो जा तो नहीं सकते लेकिन वो देखें वो ये बैंगन लगा हुआ है जो अभी लोगे ना ये बैंगन लगी हुई है, अच्छा 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 ये तंबाकू है, तंबाकू का तंबाकू कितने लोग जानते हैं कि तंबाकू क्या होता है, अब आपको दिखाते हैं कि आजकल जो आप लोग घरों में बैठ के जो सिगरेट की कश लगाते हो सिगार पीते हो जो फैशन के तौर पर आजकल हमारी नौजवान नस्ल इस्तेमाल करती है जो कि हम आपको मशवरा देंगे कि हार्मफुल है आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं पीना चाहिए, ये लेकिन ये आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के पाबंदी है यानी हमें कुछ नहीं पता इसका, हालांकि इससे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा गंदे असरात होते हैं क्योंकि जब ये बड़े होते हैं जवान होते हैं तो ये हद से ज़्यादा गर्मी छोड़ते हैं। अच्छा तो हम आपको बता रहे थे तंबाकू के बारे में आबिद भाई, तो तंबाकू जो है ये तंबाकू जो होता है अपना टोबैको जिसे हम कहते हैं उसकी फसल है और ये काफ़ी नुकसानदेह होते हैं एनवायरनमेंट के लिए यानी कि क्योंकि ये जब बड़े होते हैं तो ये काफ़ी हीट यानी गर्मी पैदा कर देते हैं जिससे मौसम के ऊपर संगीन असरात होते हैं, गवर्नमेंट की पाबंदी हमारे पास फुल पैकिंग के लिए तैयार नहीं हुए। अच्छा मुझे ये बताएं गवर्नमेंट की पाबंदी क्यों नहीं इन चीज़ों पर इन इलाकों में, पाबंदी नहीं है गवर्नमेंट को चाहिए ये तो यानी कि जैसे बंजर इलाके हैं वहाँ करनी चाहिए ना काश्त ने या वहाँ ये उगते नहीं है इन्हें सर्द इलाका चाहिए होता है, इनके लिए सर्द इलाका ठीक होता है सर्द इलाका लेकिन इसकी जो क्या कहते हैं तासीर गर्म है, तासीर गर्म है। और अच्छा आप मुझे ये बताएं ये क्या है, मुझे क्या ऑडियंस को टमाटर आ गया है ना टमाटो, तो यार ये लकड़ियाँ क्यों पड़ी हुई हैं साथ में, ये हैंगर है इनको इसको हम अपनी जबान में हैंगर बोलते हैं, इनको हैंगर कहा जाता है। अच्छा और ये इनके साइडों पे लगाएंगे जब ये बड़े होते हैं ना, सही अभी इस टाइम हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, आप हवा देख सकते हैं कितनी तेजी के साथ हवा चल रही है इस टाइम, ये देखें टिंडे की फसल बहुत अच्छी है, ये देखें हर जगह पर टिंडा लगा हुआ और आजकल इसका रेट भी बहुत हाई हुआ है। अच्छा केपीके की मंडी में इस टाइम भाई बता रहे हैं कि टिंडा जो है उसकी फसल बहुत अच्छी लगी हुई है यानी कि और इस टाइम इसके नीचे मार्केट रेट भी बहुत अच्छा मिल रहा है, 20 किलो का जो बोरी होती है ये अब बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा 1900 में चले यहीं से उतरे, नहीं उस तरफ से नहीं जाना यहाँ से चलते ना आगे से रास्ता आगे से करें, तो यहाँ पे कुछ लोग इस टाइम मेहनत यानी जिसम कहते हैं कि काम करें खेतों में, बकोल सिंधियों के हारी आबिद भाई सिंध में कहते हैं हारी, हारी यहाँ मजदूर बोलते हैं मजदूर, हारी का मतलब पता उर्दू में क्या होता है, मतलब होते हैं किसान, क्योंकि मेरे हमारी इसे ट्रेडिशनल यानी जो हमारी अपनी हिंद को उसमें इसे कहते हैं कट्ठा, कट्ठा कहते हैं ना ये कट्ठा है, ये कट्ठा है आप देखो सूखा हुआ है अभी ये खुश्क इस टाइम। अच्छा कौन से मौसम में ये बिल्कुल ओवरलोड होता है, ये गर्मियों में ओवरलोड, गर्मियों में, और ये इसका काम होता है यानी जो बड़े दरिया होते हैं उनमें से इन्हें चैम्बर निकालते हैं और छोटी नालियाँ बना के सब्जियों को ज़रात का इस्तेमाल होता है ये काश्तकारी में, ये देख लें आप ये भी देखें ये सारा यानी कि वही बारानी सिस्टम के बनाया गया कि बारिश हो तो पानी लगे ज़मीन को, इधर
अभी आप कहाँ ले जा रहे हैं हमें? आपने सांस चढ़ा दी हमें। अभी हम आपको यहाँ पे ले आती है भोई, हम अपनी जुबान में भोई बोलते हैं भोई। अच्छा भोई की मैं आपको बता दूँगा, भोई आप लोग पंजाब में नहर बोलते हो, सिंध में भी नहर ही बोलते हो। सिंधी मुझे सही आती नहीं है ना पंजाबी आती है, बारह उर्दू तो सब जानते हो, कौमी जुबान है, तो नहर बोलते हैं यहाँ पे, इसे भोई बोलते हैं। भोई आपको दिखाएंगे, आप वहाँ का सिर्फ एक तरफ टिंडे माहौल देखिए, एक तरफ अच्छा यहाँ पे देखें, एक तरफ टिंडे, एक तरफ सब्जी लगी हुई है टिंडे जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और दूसरी तरफ तंबाकू, तंबाकू जो कि एक नशा है जो कि सेहत को बहुत खराब होता है। दरमियान में हम चल रहे हैं, खुशी से करते हैं, और जो हमारी पूरी दुनिया में लोग बड़ी खुशी से पीते हैं, जो नहीं पीना चाहिए स्टार्टिंग में, तो लोग क्या करते हैं शौकिया पीते हैं ना, स्टाइल होता है फैशन, फिर फैशन तब्दील होता है आदत में, फिर आदत बदल जाती है नशे में, फिर नशा इंसान को ले जाता है मौत तक, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अच्छा चलें ये देखें, अब हम इस जगह धंधी, अच्छा उर्दू में आप इस अभी जहाँ हम आपको लेके जा रहे हैं इससे आप कहते होंगे खाई, क्या कहते हैं? खाई, खाई, लेकिन हमारे गांव में इसको बोलते हैं धंधी। जी मैं वही बता रहा हूँ आप कि उर्दू में हम लोग इसे कहते हैं क्या कहते हैं? खाई, खाई। ये देखें, ये देखें, ये अच्छा गीदड़, गीदड़ का नाम आपने सुना होगा ना, जैकाल्स, जैकाल्स सही का, ये उन्होंने छोटे छोटे खड्डे किए हुए जमीनों को खोद कर कर गीदड़ भी हो सकते हैं, और ये रात के टाइम अगर कोई बंदा अकेला आता तो गीदड़ शायद हमला भी करते हैं, क्योंकि अकेले बंदे पे तीन चार मिल के हमला करते हैं। अच्छा रात को अच्छे हैं, रात के टाइम होते हैं, देख लें पूरी जमीन में इनके सुराख हुए हैं। अच्छा उर्दू में इसे कहते हैं खाई और हम कहते हैं इसे धंधी, कि मैंने आपको कहा ना कि हम रास्ते से भी जा रहे हैं, नीचे आबिद भाई कह रहे हैं एक नई फसल भी है जिसके बारे में आपको बताने वाले, जिसके बारे में आबिद भाई हमें बताएंगे, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं है यहाँ पे फसल कौन सी है कौन सी नहीं, हम तो शहरों में रहने वाले लोग हैं, लेकिन आपको पता है कि अपना इलाका होता है, आप 100 साल भी परदेश में रहो कोई फ़ायदा नहीं, कोई किसी चीज़ काम की नहीं होती है जब तक अपने देश में नहीं हो। अच्छा ये देख रहे हैं अभी इस टाइम नहर सूखी हुई, अच्छा ये क्या आबिद भाई? फ्रेश बीन्स। अच्छा उर्दू में क्या बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं? फलियां, फलियां जैसे आप बोलते हैं, मूंग कौन सी वाले यार? अच्छा नीचे तो कराची में फ्रेश बीन ही बोलते हैं, फ्रेश बीन ही बोलते हैं। ये देख लें, ये आपको ज़रा मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें आबिद भाई अगर तोड़ के दिखा दें, अभी तो फूल लगा हुआ है इनके साथ, तो ये माशाल्लाह इनकी लेंथ देख लें, आपको दूर से हरी मिर्च लग रही होगी लेकिन हरी मिर्च नहीं है, ये फ्रेश बीन्स हैं यहाँ की ताज़ा। अच्छा सर कच्चा खा सकता है बंदा? नहीं कच्चा नहीं खा सकता, यार हम तो बचपन में खाते थे, वो कौन सी होती थी? ये हमारे पास लगे हुए हैं बैगन, एक एक प्लांट इसको हम बोलते हैं। अच्छा अच्छा फार्मर को ये अच्छा नहीं चाहिए, अच्छा है ये जो छोटा सा आपको पौधा दिख रहा है, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है। अच्छा ये आपको मैं आगे भी दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये आगे थोड़े बड़े वाले आगे आ रहे, ये सारे एक प्लांट्स हैं जिसे हम उर्दू में बैंगन कहते हैं। ये देखें एक प्लांट से लो कोई और नाम भी हो, नाम मेरे जहन में अभी नहीं है, लेकिन आप एक प्लांट ही समझें बैंगन। बस हम इसे बैंगन कहते हैं, आप भी बैंगन ही कहें, कोई और नया नाम नहीं। अच्छा हरी मिर्च ये देखें, गांव की ताज़ा हरी मिर्च। इस सीड का नाम आपको पता है, सीड कौन सा है इसमें? सीड मतलब इसकी काश्त कैसे होती है ये पूछ रहा हूँ, काश्त कैसे होती है, बीज लगाते हैं प्लांट करते हैं कैसे करते हैं इसका? पहले तो हम एज नर्सरी में इसके बेड बनाते हैं ना, अच्छा अच्छा, फिर उसमें इसके बीज वगैरह डालते हैं, जब वहाँ पर थोड़े बहुत मैच्योर होते हैं बड़े होते हैं फिर यहाँ शिफ्ट कर देते हैं इसको हम ट्रांसप्लांटिंग, फिर इसको इसकी फील्ड में। अच्छा यानी कि क्या होता है, पहले नर्सरी में इसकी परवरिश की जाती है, थोड़ा यानी कि जवान किया जाता है ताकि ये लग जाए ज़मीन में, तो उसके बाद इसे लाया जाता है यहाँ पर और इसे प्लांट किया जाता है। अभी जिस तरह हमने आपको बताया था कि हम आपको भोई की तरफ दिखाएंगे, तो यहीं से नज़ारा दिख रहा है वो सामने सारे दरख्त हैं, कभी रात के टाइम भी सोना है यहाँ पे। एक पहले कदीम लोग दास्तानों में से एक दास्तान है, आपको पता है हर इलाके से कोई ना कोई दास्तान जुड़ी हुई होती है, यहाँ के बारे में भी कहा जाता है कि इस भोई पर एक ज़माने में चुड़ैलें हुआ करती थी, जब आबादी नहीं थी यानी कि नकोड़ शहर इतना बड़ा नहीं था उस टाइम, यानी कि जो हमारे जो पहाड़ियों को कहते हैं डेयरी, जब डेयरियों के पीछे की आबादी नहीं थी तो उस टाइम यानी कि यहाँ पे कहते हैं कि एक दो ही घर होते थे, तो यहाँ पे तो समझे बिल्कुल कोई भी नहीं था। अच्छा अच्छा एक और बात बताएं, बता रहे हैं आबिद भाई कि ये जहाँ पे फसल लगी हुई है ये पूरी,
ये पूरी ये देखना पानी होता। एक जमाने में जो बोई हमारी ये पूरा पानी यहाँ तक होता था, दरिया जो था हमारा इन्हीं के यहाँ तक फैला हुआ था। अब रोक आगे चला गया, वक्त के साथ साथ वहाँ चला गया। दरिया सरन भी अभी आज का भाव कम है क्योंकि डैम बन रहे हैं पीछे, काफी इलाकों में दरिया मोड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पानी बहुत कम हो चुका है। गवर्नमेंट काम कर रही है, काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, पुल भी हमारे इलाके में बन रहे सी पैक के, काफी काम और बेहतरी आ रही है। अभी चले, अब हम इस टाइम ग्राउंड में मौजूद हैं। एक ज़माने में यहाँ पे क्रिकेट खेली जाती थी, फिर फुटबॉल भी खेलता था हम लोग, खुद भी याद है बचपन में क्रिकेट खेलने आते थे यहाँ पे। ये देखें ये पूरा ग्राउंड है, लोग तरसते हैं यानी कि आने के लिए इन इलाकों में और ख़र्चा करके आते हैं। तो देखें आज हम आपको घर बैठे दिखा रहे हैं, कोई पैसे आपके नहीं लगेंगे, बस 10 रुपये का पैकेज करा दें, वाईफाई तो वाईफाई से चलाएँ। ये देखें हम पहुँच गए इस टाइम, ये रही हमारी बुई, ये आप इसकी गहराई देखी, यार ये पानी कितना होगा इसमें, इधर ये छोटा है पानी, ये अगर मैं गुजरूं अभी इससे मुझे ये ना मैं गिर ही ना जाऊं कहीं पे। आप नहीं देखते इसमें गुजर जाए, कुछ नहीं होता, नहीं नहीं फिर मेरे जेब में मोबाइल भी पड़े हुए हैं, पीले हो जाएंगे। फिर कहाँ से गुजरे हैं आप, कोई आसान जगह बताएं जैसे जहाँ से बंदा जंप नहीं लगा सकता। जंप वाला तो है नहीं, ये पुल होता था यार, पुल वहाँ आगे होगा ना, पुल होता था। मैं बहुत अरसे के बाद यहाँ आया हूँ। क्यों, आप क्या, कौन सी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं आपकी, आप मुझे बताएं। मैं स्टडीज करता हूं, फिर क्रिकेट है, मैं क्रिकेट जब फारग होता हूं तो क्रिकेट खेलता हूं। ये हमारे क्रिकेटर भी हैं, वो हमारी गांव की डेयरी दिख रही है सामने, टैंकी भी बिल्कुल सामने। क्या एक मिनट आपको जरा सा इसको जरा सा आप नहर का व्यू देखें, नहर के सामने
अच्छा तो दोस्तों अभी हम चल चल के तकरीबन 10 मिनट से चल रहे हैं ऊपर वाली भोई जैसे मौसम चल के अभी आए दरिया सरन के करीब हैं। मौसम सामने कोई टंगलाई देख लें। आपको मैंने बताया कि मेरे कैमरे की जो है वो बैटरी ख़त्म हो चुकी है, इस टाइम अपने मोबाइल से बना रहा हूँ और हो सकता है कि साउंड क्वालिटी में थोड़ा बहुत मसला हो क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पर। फिर भी चलते हैं आगे समुंदर की तरफ, सॉरी दरियाए सरन की तरफ। आवाज़ तो आपको आ रही होगी दरिया की, वो देखें दूर। अच्छा तो ये है यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, ज़बरदस्त यार। इस टाइम मैं यहाँ मौजूद हूँ, जो हवा चल रही है और जो ठंडक का एहसास इस मई के लास्ट में मौजूद हो एहसास हो रहा है मुझे, आप लोग सोच भी नहीं सकते। और इस टाइम ये जो कुदरत का, अच्छा ये जो पत्थर पड़े हुए हैं, ये जब दरिया आता है यानी कि दरिया सरन जब पीछे से आता है, जब बारिश होती है पहाड़ों में बर्फ़ पिघलती है, तो ये यानी कि सारा यानी कि इलाके में पानी होता है। और अभी एक वजह पानी कम होने की ये भी है कि अभी जो डैम बन रहे हैं वो पानी रोका हुआ पीछे से, और वहाँ सामने आपको दिख रहा होगा वो सामने वो रहा वो पुल बन रहा है जो सामने साबरशाह गांव है, साबरशाह सामने नकोट, इन दो गांवों को आपस में लिंक करेगा। और हैवी पहले भी यहाँ पे एक पुल था एक ज़माने में, वो आपको पता है कमज़ोर पुल था वो टूट गया, अभी ये जो बना ये हैवी पुल बन रहा है। तो ये देखें अभी हम लोग पहुँच चुके हैं इस टाइम दरियाए सरन के किनारे में, चल रहा हूँ देखिए उधर आपको दिखाता हूँ मैं। ये एक मिनट, हाँ अच्छा यहाँ पे होती है छोटी, पहले होती थी एक ज़माने में ट्राउट मछली भी यहाँ पे होती थी, वक्त के साथ साथ मौसमियाती तब्दीलियाँ होती गई तो मछली ट्राउट तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी यहाँ पे सरन की मछली होती है और काफ़ी खूबसूरत मछली होती है, सॉरी खूबसूरत काफ़ी लजीज मछली होती है। आप देख लें ये पीछे दरिया सरन बह रहा है। इस टाइम आबिद मंसूर और वो दोनों ही पहुँच चुके हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। आबिद भाई बाइक से करें तो उनका हाथ भी ज़्यादा टूटा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पूरा, इस टाइम आप मौसम देखें सामने क्या लोकेशन और वेदर कैसे, वेदर कैसे है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा दरिया सरन, आपको उसका सिनेमेटिक दिखाता हूँ। अच्छा तो दोस्तों अभी हम इस टाइम दरिया सरन से वापस आ चुके हैं और हम घर की तरफ जा रहे हैं। व्लॉग हमारा कंप्लीट हो गया है, मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश भी बूंदाबांदी हो रही है और रात को तेज़ बारिश का भी इम्कान है, तो कैमरे की बैटरी भी लो चुकी है। तो उम्मीद है वीडियो आपको व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा आपको हमारा इलाका कैसा लगा और व्लॉग कैसा आपको लगा, कुछ गलतियाँ खामियाँ बता सकते हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।